ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये मुफीद मशवरे हैं अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। नंबर वन पॉइंट, For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ राबिया तनवीर, एक माहिरे नफ्सियात, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मरहम के प्लेटफॉर्म से। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आप कहने के वो चंद मुफीद मशवरे हैं जो कि आपकी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में आपकी मदद कर सकते हैं। ज़हनी तनाव या ज़हनी दबाव से निमटने की चंद तजावीज़ हैं जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये मुफीद मशवरे हैं अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। नंबर वन पॉइंट, एक वक्त में एक काम करें। इसका ये मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपको बहुत से काम दरपेश हैं, तो एक लिस्ट बना लें, फिर अहमियत के लिहाज से एक वक्त में आप एक अगर काम कर लें तो आप फ्री टेंशन से बच सकते हैं। नंबर टू पॉइंट, अपने वसाइल को जहन में रखते हुए अपनी हदूद का अंदाज़ा करें। इसका ये मतलब है कि अगर आप घर में हैं या आप ऑफिस में हैं, दोस्तों से मुतल्लिक कामों का बहुत ज़्यादा आपको दबाव होने लगा है, आप स्ट्रेस में हैं, तो अगर वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा है तो आप बहुत और ज़्यादा मज़ीद कामों को लेने से, उनकी ज़िम्मेदारी लेने से आप माज़द करना सीखें बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे तरीके से। जाहिर सी बात है, हम तो उतना ही कर सकते हैं ना जितनी हमें हिम्मत होती है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि अपनी कमज़ोरियाँ और जो आपकी जो अंदर जो होती हैं और सलाहियतें, उनको अच्छे तरीके से जान लीजिए, उनकी भी एक लिस्ट बना लें। हमें अल्लाह पाक ने कितनी सलाहियतों से नवाजा है, हम क्या क्या अच्छे से कर सकते हैं, और जो हमारी थोड़ी सी वीक पॉइंट्स हैं और उन पर हम किस तरीके से हम जो है वो उस पर थोड़ा थोड़ा सा अगर हम उस पर कोशिश कर लें तो हम बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। आप हमारे नफ्सियात से मदद ले सकते हैं इससे के। फिर एक और पॉइंट है, ऐसे अपने जो काबिल तमाद दोस्तों और ऐसे रिश्तेदार रिलेटिव्स जो कि बहुत काबिल तबार हों, उनसे आप मशवरा करें जब आप किसी मुश्किल में हो, टेंशन में हो, क्योंकि उनके साथ जिन पे आपको इतबार हो, पहले भी ज़िंदगी में आप अगर आपको मुश्किल में थे तो आपने उनसे मदद ली थी, कोई मशवरा लिया था उनसे, जिन पे वाकई आपको होता है कि वाकई वो आप मुश्किल वक्त में अच्छे से आपका साथ दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अपने सोना जो नींद है उसको बहुत, वो सोने के मामूल को बेहतर बनाएं। नींद जो होती है वो आपके मूड पर असरअंदाज होती है, जिस्मानी और ज़हनी थकावट की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद का लेना। मुनासिब मिकदार में अगर नींद ना लेना भी आपकी सेहत को जो है वो मुतासर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अहम पॉइंट, अपनी ख़ुराक का बहुत ख्याल रखें कि जो आप खाते पीते हैं, सेहतमंद दिमाग का अच्छी और मुनासिब ख़ुराक से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी, वर्जिश एक्सरसाइज जो है उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि ये रिसर्च से बात साबित हुई है कि इससे ज़हनी दबाव का लेवल जो है वो कम होता है, और आप जो हैं आप बाकायदगी के साथ अगर आप एक्सरसाइज, वॉक को, सैर को, आप किसी वर्जिश को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो आपके अंदर खुद एतमादी भी और बढ़ती है, इज़्ज़त नफ्स में इजाफा होता है और आपकी जो उदासी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद एक अहम पॉइंट कि ऐसी सरगर्मियाँ आप इख्तियार करें जिनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हों, ऐसे दोस्त जिनसे मिलकर आपको बहुत खुशी होती है। अगर आप कोई टेंशन में, उनसे मिलें, उनसे बात करें, कुदरत के नज़ारे उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। वैसे भी ये रिसर्च से बात साबित हुई भी है कि जो कुदरत के नज़ारे हैं, नेचर, उसके साथ अपने आप को जोड़ लें तो वो आप जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, फिर बुक्स, आप जो हैं बुक्स को रीड करें, और इसके अलावा लोगों से, ऐसे लोगों से रابطہ रखें जो कि बहुत पॉजिटिव मुस्बत सोच के मालिक हों और वो काबिल एतबार हों और प्यार करने वालों के साथ वक्त गुजारें।
जब आप अच्छे और जो जो ऐसे लोग जो खुद भी मुस्बत सोच के मालिक होते हैं, पॉजिटिव उनकी जो है वो सोच होती है, तो आप में भी फिर वो बातें आने लग जाती हैं। तो इस तरीके से खुद भी और अपनी भी सोचों को बहुत पॉजिटिव रखें, मुस्बत सोच को अपनाने की कोशिश करें। और हमारी नफ्सियात कहती है कि हमेशा मुस्बत पॉजिटिव सोच जो है वो हमेशा उसको जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की अगर हम कोशिश कर लें अगर, तो हम जो है वो बहुत सारी परेशानियों से जो है वो उसके उससे परेशानियाँ तो ठीक है आती रहती हैं ज़िंदगी में, साथ साथ चलती हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको अच्छे, क्योंकि हम तो सोचों के डॉक्टर होते हैं, मैं तो आज भी यही कहूँगी कि अगर हम अपनी सोचों को थोड़ा सा बदल लें, उसका रुख बदलने की देर है, हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी हाँ, और मैं आपसे आखिर में ये कहना चाहूँगी कि आपको कोई परेशानी है, कोई मसला है, आपको कोई आप किसी उलझन का शिकार हैं और आप जो है आपको अपनी किसी परेशानी का हल नहीं मिल रहा, और अब तो मैं राबिया तनवीर एक मारे नफ्सियात आपके साथ हूँ, आप मुझसे अपनी जो है वो परेशानी शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका साथ देने की और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।